सब्सक्राइब कीजिए कंप्यूटर ज्ञान गुरु जी चैनल को और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। दोस्तों ये हमारा HTML का पार्ट 3 वीडियो है। अगर किसी ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। और आज के पार्ट में हम बताएंगे कि हमने अपने वेब पेज के ऊपर कोई फोटो किस प्रकार लगाएं, या फिर बैकग्राउंड फोटो हम कैसे लगाएं, या फिर हमने कोई लिंक क्लिक करना है लिंक पे हम जाएं तो फोटो ओपन हो, तो हम सारा फोटो का यहाँ पे एडिटिंग का बताएंगे कि हम अपने वेब पेज पे किस प्रकार से डिजाइन करें फोटो को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीखते हैं। तो गाइस हम फिर से वही फाइल ओपन कर लेते हैं जो अब तक हमने इससे पहले दो वीडियो में यूज करी थी। देखिए ये वेब वाली फाइल मैंने ऐसे कैसे रखी हुई, ठीक है। यहाँ पे इसको राइट क्लिक यूज करेंगे और ओपन विद में जाएंगे और यहाँ से हम कर लेंगे इसको नोट पैड। हमने इसकी नोट पैड फाइल ओपन कर ली है। यहाँ पे काफ़ी टैग्स लिखी हुई है लेकिन घबराएं नहीं, मैं ये सारी टैग्स यहाँ से दूर कर देता हूँ। मैं यहाँ से नीचे खिसका देता हूँ ये लो बिल्कुल, ठीक है। हमने कहाँ पे काम करना है ये भी मैंने इससे पहले वीडियो में बता रखा है कि जो भी हम काम करेंगे हम बॉडी टैग के अंदर करेंगे। हमारी बॉडी टैग यहाँ से स्टार्ट है और बॉडी टैग यहाँ पे HTML से पहले नीचे देखोगे बंद है। हमने सारा काम इसके बीच में करना है। हमने जहाँ भी फोटो लगानी है बैकग्राउंड फोटो लगानी है, फिलहाल बैकग्राउंड लगी हुई है। मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ तो आप देखोगे येलो बैकग्राउंड हमने लगाई हुई है, कलर लगाया हुआ है, ठीक है। अगर हम चाहेंगे कोई फोटो लगाएं बैकग्राउंड के ऊपर, तब हम जो मैंने आपको बैकग्राउंड कलर के लिए बताया, देखो बॉडी टैग के अंदर यहाँ पे हम लिखेंगे बीजी कलर, तो जो भी कलर डालेंगे वो कलर बैकग्राउंड में लग जाएगा। लेकिन अब हमने डालना है यहाँ पे पिक्चर, तो थोड़ा सा हमने चेंज करना पड़ेगा। हम यहाँ से ये वाला तो जो मैटर है इसको हम हटा देंगे। इससे पहले की वीडियो अगर किसी ने नहीं देखे हैं तो इन दोनों वीडियो के लिंक मैं ऊपर आई बटन पे डाल दूंगा, आप वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। और यदि आप टेक्निकल संबंधी वीडियो देखना चाहते हैं, टेक्निकल पसंद करते हैं, तो हमारा दूसरा चैनल है कंप्यूटर गुरुजी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाएं, उस चैनल को सब्सक्राइब करें और वहाँ भी इतना ही प्यार हमें दें। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे बॉडी के बाद एक स्पेस डालेंगे और हम यहाँ पे लिख देंगे बैकग्राउंड, और करेंगे इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इमेज लिंक और इन्वर्टेड कॉमास बन, यानी कि ये जो हमने डबल कोट शुरू करे हैं यहाँ से यहाँ तक जो इमेज लिंक है, यहाँ पर हमको उस इमेज का लिंक डालना होगा जहाँ पर वो इमेज है। अगर ऑनलाइन इमेज है तो ऑनलाइन वेबसाइट का लिंक वहाँ पे डालें, या फिर आपके कंप्यूटर में कहीं पर इमेज है तो आप कंप्यूटर में से उसका लिंक डाल सकते हैं। तो मैं फिलहाल इसको कर रहा हूँ डिलीट, और यहाँ पर जब कर्सर पोजिशन है यहाँ पर मैं उस इमेज का लिंक लूँगा, और वो इमेज कहाँ पे वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए कोई भी इमेज है मेरे पास यहाँ पे, मैं इस फोल्डर में शायद इमेज रखी हुई है, एक आईडी नाम का फोल्डर यहाँ पे देख रहे हैं ना, आईडी नाम का फोल्डर। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि यहाँ पे आपको बीच में दिखाई दे। इसके अंदर बैकग्राउंड में हमने मान लो ये इमेज लेनी है, तो हमको ये पता होना चाहिए कि इस इमेज की लोकेशन क्या है। ये इमेज हमारे डेस्कटॉप पे एक फोल्डर है आईडी के नाम का, उसके अंदर ये इमेज रखी हुई है जिसका नाम है ए ग्रीन, और ये किस फॉर्मेट में है यानी कि इसका एक्सटेंशन क्या है, ये एक जेपीजी फाइल है या एक जिप फाइल है या बीएमपी फाइल है, वो हमको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे सारी चीज़ें देखने के लिए क्या करेंगे, इसके ऊपर राइट क्लिक यूज़ करेंगे और इस पर चले जाएंगे हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो यहाँ पर देखो लोकेशन तो दिखा रहा है इसकी, सी यूज़र फ्यूचर वन डेस्कटॉप और आईडी फोल्डर, उसके अंदर ये इमेज है, तो ये लोकेशन हमको मिल गई। हम यहाँ से इस लोकेशन को कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी या फिर कॉपी और ओके कर देंगे, ये हटा दिया, और यहाँ पे इस लोकेशन को कर देते हैं कर्सर पोजीशन की जगह पेस्ट। दूसरी पोजीशन आती है इसकी कि इस इमेज का नाम, देखिए इसका नाम है ए ग्रीन, तो यहाँ पे हम बैक स्लैश यूज करेंगे और पिक्चर का नाम डाल देंगे ए स्पेस जी आर ई ई एन, हो गया। अब हमने डालना इसका एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या, आप जैसे इस पिक्चर पर आओगे तो यहाँ पे इसका एक्सटेंशन दिखाएगा किस प्रकार की पिक्चर है। जैसे हम यहाँ पे जाते हैं तो ये दिखा रहा है देखो PNG इमेज, इसी प्रकार इसके ऊपर आएंगे तो ये दिखा रहा है .jpeg इमेज, है ना। या फिर प्रॉपर्टीज़ में भी हम जाके देख पाएंगे, इस पर राइट क्लिक यूज़ करेंगे प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो देखो यहाँ पर दिखा रहा है टाइप ऑफ फाइल JPG इमेज, यानी कि .jpg इसका एक्सटेंशन हो गया,
ठीक है, तो इसको कैंसिल कर देता हूँ मैं, और मैं यहाँ पे लिखूँगा ए डॉट ग्रीन, और इसके बाद इस जगह पे मैं करूँगा डॉट जे पी जी, हो गया, और इस फाइल को कर देंगे सेव, कंट्रोल एस। अब देखते हैं अपनी इस फाइल में जो हमारी बैकग्राउंड थी, इसको मैं रिफ्रेश करूँगा, तो रिफ्रेश करने के बाद देखो वो कलर वहाँ से गायब हो गया और वो पूरी इमेज यहाँ पे सेट हो गई है। तो ये टेक्स्ट थोड़ा सा हमारा अलग कलर हमने लेना पड़ेगा टेक्स्ट का, और कलर चेंज करने के लिए मैंने फॉन्ट टैग बता रखी है, आप इसका वाइट कलर ले सकते हैं, तो ये टेक्स्ट सही से दिखने लगेगा। वाइट ले लें, येलो टेक्स्ट कलर ले लें, जो टेक्स्ट कलर लेंगे वो कलर आएगा। तो बैकग्राउंड इमेज हमारी आ गई। अब हमने लगाना है यहाँ पे कि जैसे आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो वहाँ पे आपको कुछ फ़ोटो लगी मिलती हैं, कुछ लोगो लगे मिलते हैं, वो फ़ोटो या लोगो हम किस प्रकार इनिशिएट करेंगे। हम मान लो या मनोज कुमार के सामने यहाँ पे एक लोगो लगाना चाहें तो हम कैसे लगाएंगे। हम वापस अपनी नोटपैड फाइल ओपन कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है, और मनोज कुमार जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ, ये फॉन्ट बन और लाइन ब्रेक, लाइन ब्रेक के बाद हम एक स्पेस डाल लेंगे और यहाँ पे हम उस पिक्चर का लिंक इंसर्ट कर देंगे जो पिक्चर हमने यहाँ पे लगानी है। लेकिन वो लिंक किस प्रकार इंसर्ट करेंगे उसके लिए हम एक टैग शुरू करेंगे जिसका नाम है इमेज, यानी कि आईएमजी टैग। तो हम यहाँ पे करेंगे लेस देन, यूज करेंगे आईएमजी स्पेस एसआरसी, यानी कि इमेज स्क्रीन टैग हम यूज करेंगे, इज इक्वल टू के साथ। हमने कहाँ पे रखी है, अगर उसी फोल्डर में उसी जगह है तो हम सीधा वो लिंक वहाँ से कॉपी कर लेंगे। जैसे कि मैं सारा ये लिंक कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी, और मैं यहाँ पे डाल दूंगा इन्वर्टेड कॉमास के साथ कंट्रोल वी, ठीक है। लेकिन पिक्चर का नाम ये नहीं देंगे, हम कोई और पिक्चर ले रहे हैं, पिक्चर ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, मान लो इस फोल्डर में देखता हूँ ये वाली पिक्चर ले लेता हूँ ए फोटो, ओके, ये भी ये पीएनजी फाइल है, ये आपने ध्यान रखना है, इसका एक्सटेंशन पीएनजी है। तो अब मैं यहाँ पे आके लिखूंगा, हमने यहाँ पे लिया था ना, तो इस वाली इमेज को तो हम यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पे हम डालेंगे ए फोटो डॉट पीएनजी और इन्वर्टेड कॉमास बन, और इसको बंद कर देंगे और इमेज को भी बंद कर देंगे। तो इससे नीचे आके मैं कर देता हूँ इमेज को बंद आईएमजी और ग्रेटर, हो गया, तो इसको कर दूंगा मैं सेव। अब वापस हम इस पेज पे आएंगे और इसको करेंगे हम रिफ्रेश, तो कुछ ज़्यादा बड़ी पिक्चर थी तो ये ज़्यादा स्पेस यहाँ पे रोक लिया, छोटी पिक्चर ले लेंगे तो छोटी सी पिक्चर आ जाएगी। तो एक बार मैं इस पिक्चर का साइज़ कम कर लूँ, मैं यहाँ पे इस पिक्चर को करता हूँ ओपन विद माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर के अंदर जाके मैं इस पिक्चर का साइज़ कम कर देता हूँ, ओके, छोटी पिक्चर हो गई ना, और कर दूंगा सेव। बस अब हमने क्या करना है, इसको रिफ्रेश करना है खाली, और वो पिक्चर देखो यहाँ पे छोटी पिक्चर लग जाएगी, ओके। तो इस तरह एक या दो या तीन पिक्चर आप लोगो लगाना चाहें, यहाँ पे लगाना चाह रहे हैं, लाइन ब्रेक से पहले लगाना चाह रहे हैं, तो पिक्चर आपकी यहाँ पे लग जाएगी, ओके। पिक्चर को अलाइन करना यहाँ पे नहीं लगानी, हमने राइट साइड में लगानी। तो आगे हम टैग बताएंगे कि सेंटर में किस प्रकार लगाएं, लेफ्ट में कैसे लगाएं, राइट में कैसे पिक्चर को लगाएं, वो सारा हम बताएंगे। तो दो पिक्चर हो गई। अब पिक्चर आती है, हम किसी भी एक लिंक पे क्लिक करें, यहाँ पे देखो आप देख रहे होगे ये लिखा हुआ है कंप्यूटर गुरुजी, दिख रहा है ना, कि यहाँ भी एक लिंक आ जाए, उस लिंक पे हम क्लिक करें तो ये लोगो ओपन हो या फिर कोई अदर पिक्चर ओपन हो, ठीक है। तो वो हम किस प्रकार करेंगे, फिर से हम नोटपैड फाइल के अंदर आते हैं और हम यहाँ पे कहाँ सीख था हमारा लिंक, थोड़ा सा इसको मैं स्पेस को हटा लेता हूँ, कंप्यूटर ज्ञान गुरुजी ये लिंक है, तो यहाँ पे हमने इसको लिंक में बनाना है या फिर कोई नया लिंक बनाना चाहें। एग्जांपल के लिए मैं इस फोटो के तुरंत बाद इमेज हमने कहाँ पे बंद करी है, इमेज यहाँ बंद करी है, और यहाँ पे मैं लिख दूँ कि लोगो, और लोगो पे क्लिक करें तो वो पिक्चर ओपन हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो हाइपर लिंक स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमने लिंक डालना है वहाँ पे, तो उसके लिए हम करेंगे लेस देन ए स्पेस एच आर ई एफ हाइपर इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, सेम हम कंट्रोल वी कर लेता हूँ मैं, पेस्ट कॉपी पेस्ट इसी को कर लेता हूँ कंट्रोल सी, क्योंकि इसी लोकेशन पे मैंने सारी पिक्चर रखी हुई है,
और यहाँ पे उस पिक्चर का नाम और उसका एक्सटेंशन। तो चलते हैं हम अपने फोल्डर के अंदर जहाँ पे हमने पिक्चर रखी हुई है, वो डेस्कटॉप पे ही था, ये रहा फोल्डर और इसके अंदर ये रहा लोगो और ये लोगो है PNG फाइल, ठीक है, इसका नाम भी लोगो है। तो वापस हम यहाँ पे नोटपैड फाइल के अंदर आएंगे और यहाँ पे लिख देंगे logo.png और इनवर्टेड कॉमास बंद, ग्रेटर देन। अब हमने वो टेक्स्ट लिखना है जिसके ऊपर हम क्लिक करें तो ये पिक्चर ओपन हो। तो टेक्स्ट यहाँ पे लिखेंगे, इसके लिए मैं नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ करता हूँ मैं लोगो और अब कर दूंगा मैं हाइपर को बंद। उसके लिए हम करेंगे क्लोज का साइन और ए और ग्रेटर देन, हो गया हमारा हाइपर लिंक बंद। कर देंगे सेव, वापस अपने इस फाइल को ओपन करेंगे और इसको हम करेंगे रिफ्रेश। तो देखो यहाँ पे एक लोगो का ये बन गया है, जो दिखाई नहीं दे रहा आपको, ये मैं सिलेक्ट करता हूँ इसको, देखो ये रहा, दिख रहा है ना, उस कलर के ऊपर दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये एक लिंक बन गया। हम इस लिंक के ऊपर यहाँ पे देखो ले जाते हैं ना, हाथ का साइन बन रहा है, अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारी वो पिक्चर ओपन हो जाएगी लोगो की। ओके, इस तरह से हम एक के बाद एक लिंक दे सकते हैं किसी भी दूसरी चीज़ को ओपन करने के लिए। जैसे हमने यहाँ पे कोई बटन बना लिए, जैसे होम के लिए, अबाउट के लिए, कॉन्टेक्ट अस के लिए, तो उन बटन का हम लिंक देंगे और उस लिंक से हम अलग पेज ओपन करना चाहें, अलग विंडो पे या उसी विंडोज़ पे, अलग टैब पे, वो सारा कर सकते हैं। तो ये हमारी थी इमेज ऑन हाइपर लिंक। हम इमेज देना चाहें हाइपर लिंक पे, कोई फाइल का लिंक देना चाहें वो भी दे सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट्स में बताइए, और इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियोज़ को हम दोस्तों में शेयर कर दीजिए, हमें लाइक कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।